गुड मॉर्निंग एवरीबडी। आज हम अप्लाइड फिजिक्स की यूनिट नंबर 2 का टॉपिक पावर पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे। फर्स्ट पावर। पावर इज द रेट एट विच वर्क इज डन और द रेट एट विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन टाइप टू अनदर। It is denoted by capital P. SI unit of power is joule per second. Means power क्या है? Power है किसी भी काम को करने की रेट, मतलब कि एक सेकेंड में कितना काम किया गया है उसको हम क्या कहेंगे? Power। या फिर हम ये कह सकते हैं कि एक सेकेंड में कितनी एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पे गई या फिर कि एक टाइप से दूसरे टाइप में चेंज हो, उसको हम क्या कहेंगे? पावर। एक बार हम वापस रिपीट करते हैं। पावर है वर्क डन की रेट, मतलब कि एक सेकंड में कितना काम किया गया है। अगर हम इसे एनर्जी ट्रांसफर के टर्म्स में समझें तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक कितनी एनर्जी गई है या फिर एनर्जी के एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कितनी एनर्जी एक सेकंड में ट्रांसफॉर्म हो गया। इसको हम सिंपली कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। पावर की एसआई यूनिट जूल पर सेकंड या फिर इसको हम वॉट भी कहते हैं। पावर का फॉर्मूला होगा डब्ल्यू अपॉन टी, वेयर पी इज पावर, डब्ल्यू इज वर्क एंड टी इज टाइम। यहाँ से फॉर्मूले से भी अगर हम डेफिनेशन बनाना चाहें, फॉर्मूले में क्या है? पी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। अगर हम t की वैल्यू को 1 रखते हैं, 1 सेकंड, तो क्या हो जाएगा? p इज इक्वल टू w। तो सीधे डेफिनेशन क्या हो गई कि एक सेकंड में किया गया काम इसकी पावर कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट, द एवरेज पावर ऑफ अ फोर्स इज डिफाइंड एज द रेशियो टू द वर्क w टू द टोटल टाइम टेकन। अगर एवरेज पावर हमें निकालनी है तो वो कैसे डिफाइन करते हैं कि जो वर्क किया है वो और जो टोटल टाइम है उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एवरेज पावर आ जाएगी। द इंस्टेनियस पावर इज डिफाइंड एज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज टाइम एज टाइम इंटरवल अप्रोचेस टू जीरो। इसको हम डिफाइन करते हैं पी को डी डब्ल्यू ओवर डी टी, मतलब किसी स्मॉल टाइम में किया गया वर्क। द वर्क डन डी डब्ल्यू डन बाय फोर्स एफ फॉर अ डिस्प्लेसमेंट डी आर इज डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी आर। मीन्स कि जैसे हमने यहाँ फॉर्मूला भी क्या पढ़ा है, पी इज इक्वल टू डी डब्ल्यू ओवर डी टी। डी डब्ल्यू क्या है? वर्क डन है। और वर्क का जब हमने पढ़ा था, वर्क वाला जो हमने लेक्चर पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी आर होता है या डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस होता है। लेकिन यहाँ पे हम डी डब्ल्यू निकाल रहे हैं तो हमारे पास क्या एफ की वैल्यू क्या आएगी? एफ डॉट डी आर। एफ क्या है? जो अप्लाइड फोर्स है। और डी आर क्या है? डिस्प्लेसमेंट। अगर हम यहाँ से डी डब्ल्यू की वैल्यू ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दें तो हमारे पास क्या आएगा? पी इज इक्वल टू एफ डी आर ओवर डी टी। और हम सबको पता है कि डी आर ओवर डी टी क्या होता है? डी आर ओवर डी टी होती है वेलोसिटी। तो हम पावर को फोर्स और वेलोसिटी के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं? सिंपली वर्क को हमने क्या किया? एफ डॉट डी आर लिखा। और यहाँ पे डी आर ओवर डी टी ये किसको बताता है? वेलोसिटी को। तो पावर हमारे पास क्या आ गई? एफ डॉट डी। नेक्स्ट, देयर इज अनदर यूनिट ऑफ पावर नेमली एज हॉर्स पावर। जैसे अभी हमने यूनिट ऐसा यूनिट पढ़ी थी तो हमने ये कहा था कि ऐसा यूनिट पावर की होती है जूल पर सेकेंड या फिर वॉट। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि
पावर को नापने के लिए जनरली एक और यूनिट यूज की जाती है जिसको हम कहते हैं हॉर्स पावर, और इसे डिनोट करते हैं HP से। हॉर्स पावर और वॉट में क्या रिलेशन है? 1 horsepower इज इक्वल टू 746 watt। हॉर्स पावर एक बहुत बड़ी यूनिट है, जैसे हमें यहाँ पता चल रहा है 1 horsepower इज इक्वल टू 746 watt। तो हॉर्स पावर का यूज हम कहाँ करते हैं? जहाँ पे हमें जैसे बड़ी पावर की जो बहुत ज़्यादा वैल्यू जहाँ पे आती है उसे मेजर करने के लिए, जैसे ऑटोमोबाइल, ऑटो बाइक वगैरह। अब इसको हम आगे पावर जो हमने पढ़ा है अभी उसको हम समझने के लिए क्या करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंसिडर किया है, अ 50 kg पर्सन रन्स अप स्टेयर्स 10 meter हाई इन 2 minutes। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10 meter per second, डिटरमाइन द पावर। मतलब कि एक 50 kg का आदमी है, वो 10 meter ऊंची स्टेयर्स पे, सीढ़ी पे 2 मिनट में चढ़ जाता है। और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू दी है क्वेश्चन में 10 meter per second square। तो उस जो पर्सन है उसकी पावर हमें कैलकुलेट करनी है। तो कोई भी हम न्यूमेरिकल करना स्टार्ट करेंगे तो बेस्ट तरीका ये होता है कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है ये लिख लें हम, और क्या पूछा है ये लिख लें सबसे पहले। तो हमने देखा कि मास दिया हुआ है, कितना दिया है पर्सन का 50। देन हाइट दी हुई है स्टेयर्स की कितनी, 10 meter। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना दिया हुआ है, 10 meter per second। और टाइम इंटरवल कितने टाइम में वो चढ़ा, वो कितना दिया हुआ है हमें, 2 meter। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि ये सारे ठीक है MTS में या SI में है, लेकिन यहाँ पे जो टाइम इंटरवल है वो हमारा मिनट्स में दिया हुआ है। इसे हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें इसे सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो हम सबको पता है 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है, 60 सेकंड। तो हमने यहाँ पे मिनट्स को सेकंड में चेंज कर लिया, कैसे, 2 into 60 seconds। और हमारे पास टाइम इंटरवल अब सेकंड में कितना आया, 120 seconds। अब अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था पावर का फॉर्मूला क्या था, W/T। W क्या है, वर्क डन, एनर्जी, और T क्या है, टाइम। और हमें ये भी पता है, हमने जब वर्क का फॉर्मूला पढ़ा था, वर्क वाला जो लेक्चर पढ़ा था उसमें, और एनर्जी वाला जो लेक्चर पढ़ा था उसमें हमने ये बोला था कि किसी हाइट पे अगर कोई चीज़ है रुकी हुई है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सब कुछ हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब वो चीज़ रुकी हुई है अपनी एक पोजीशन पे, तो उसमें क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी होती है, मोशन में तो है नहीं अभी, वो रुकी हुई है तो क्या हो गया वैल्यू W की, MgH। M हमें क्वेश्चन में दिया है कितना है, 50 kg। G हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 meter per second square, और H हमें दिया हुआ है 10 meter। तो हमने यहाँ पे तीनों की वैल्यू पुट कर दी और हमारे पास W की वैल्यू आई है 5000 joule। लेकिन हमें कैलकुलेट तो क्या करना है, पावर। तो हमने क्या किया, ये वाला फॉर्मूला P = W/T में हम इसकी वैल्यू रख देंगे W की वैल्यू कितनी है, 5000 joule, और टाइम की वैल्यू हमारी अभी टाइम इंटरवल कितना आया था, 120 सेकेंड। तो हमने टाइम की जगह पे क्या रखा है, 120 सेकेंड। दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आया P = 41.2 joule per second, या फिर 41.7 watt, क्योंकि जूल पर सेकेंड को हम वॉट। ओके, अब एक बार दोबारा देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा था, कि 50 kg का एक आदमी है, वो 10 मीटर ऊंची स्टेयर्स पर 2 मिनट में चढ़ जाता है, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है, 10 meter per second square। तो हमें पावर कैलकुलेट करनी है। हमें ये पता है पावर का फॉर्मूला होता है W/T या फिर E/T। अब ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, W कैसे निकालेंगे हम, MgH, M की वैल्यू दी है, G की वैल्यू दी है, H की वैल्यू दी है, यहाँ से हमने क्या किया, W की वैल्यू निकाली, और पावर के फॉर्मूले में सीधे W और T की वैल्यू पुट करके यहाँ से हमने पावर कैलकुलेट करी।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, अ रोटरी कमेटी विद पावर ऑफ 300 वॉट्स एंड पीरियड 5 मिनट्स रोटेट 5 राउंड द एनर्जी इट यूजेस इज, मतलब कि एक रोटरी है उसकी पावर कितनी है 300 वॉट और वो टाइम पीरियड कितना है 5 मिनट और वो 5 चक्कर लगाती है, तो 5 चक्कर लगाने में उसने कितनी एनर्जी यूज की हमें ये पता करना है। तो वही करेंगे हम, सबसे पहले ये देखेंगे कि पावर कितनी है रोटरी की 300 वॉट, नोट कर लिया हमने। टाइम पीरियड कितना है 5 मिनट्स, फिर यहाँ पे वापस वही बात है कि हमें मिनट्स को पहले सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, तो 5 × 60 सेकंड इज इक्वल टू आ गया हमारा 300 सेकंड और नंबर ऑफ रोटेशन कितने दिए हैं 5। ठीक है, अब हमें निकालनी है एनर्जी, हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, पी इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई टी। यहाँ से अगर हमें ई की वैल्यू निकालनी होगी तो हमारी ई की वैल्यू क्या आएगी, पी मल्टीप्लाई बाई टी। P की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है कितना है 300 वॉट, P की वैल्यू कितनी है 300 सेकेंड, तो हमारे पास E की वैल्यू आई 9 × 10⁴। ओके, अब क्वेश्चन में तो ये बोला था कि 5 रोटेशन के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होगी, ये तो हमारे पास आंसर आया, वो आया कि 1 रोटेशन के लिए हमें कितनी एनर्जी चाहिए, तो 5 रोटेशन के लिए पूछी है तो सिंपली मैथमेटिक्स पे यूज़ करेंगे हम, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आ गया 450 किलो वॉट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 100 वॉट बल्ब विच इज ऑन फॉर 10 आवर्स यूजेस 1 किलो वॉट ऑफ एनर्जी। अब हमें इसमें एनर्जी कैलकुलेट करनी, हमने जैसे भी पहले वाले क्वेश्चन में किया था, यहाँ पे E इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाई टी, पी की वैल्यू दी है हमने कितनी 100 वॉट और टाइम भी दिया है 10 आवर्स, तो हमने क्या किया यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर क्या आया 1 किलो वॉट आवर। लेकिन हम क्या करेंगे, इसे आवर को क्या करेंगे सेकेंड में चेंज करेंगे, किलो वॉट को क्या वॉट में चेंज करेंगे, या फिर पूरे को हम क्या करें जूल में चेंज करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए किलो वॉट लिखा हुआ था, यहाँ हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और आर लिखा है, घंटा लिखा है, तो घंटे को कैसे चेंज करेंगे कि पहले घंटे को मिनट में और फिर मिनट को सेकंड में, तो एक घंटे में कितनी मिनट होती है 60 और एक मिनट में कितनी सेकेंड होती है 60, तो हमारे पास आंसर क्या आया 3.6 × 10⁶। तो ऐसे हम इस फॉर्मूले को यूज़ करके छोटे छोटे न्यूमेरिकल कर सकते हैं। अब हमने जो थ्योरी पढ़ी थी उसको एक बार हम फिर से देख लेते हैं। पावर हमने क्या पढ़ा था, पावर इज द रेट एट विच वर्क इज डन, मतलब वर्क डन की जो रेट है, रेट मतलब कि एक सेकंड में कितना काम किया जा रहा है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि एक सेकंड में कितनी एनर्जी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफ़र हो रही है, या फिर कि एक टाइप से दूसरे टाइप में कितनी एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है, चेंज हो रही है, इसकी एसआई यूनिट जूल पर सेकंड या फिर वॉट और फॉर्मूला पी इज इक्वल टू W/T। अब एवरेज पावर अगर हमें निकालनी है तो एवरेज पावर हम कैसे निकाल सकते हैं, कितना वर्क किया है और पूरा कितना टाइम लिया है दोनों के को डिवाइड करके। उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि पावर को हम फोर्स के टर्म में कैसे लिखेंगे, तो हमको ये पता है पी इज इक्वल्स टू DW/DT है और वर्क क्या होता है F × S और DW क्या हो जाएगा F × dS। यहाँ पे S को हमने R से रिप्रेजेंट किया है, R क्या है डिस्प्लेसमेंट है, तो हम यहाँ पे DW को क्या लिख सकते हैं F.dr, dr/dt को हमने एक साथ लिखा और हमको ये पता है dr/dt क्या होता है, वेलोसिटी होती है, तो P के फॉर्मूला क्या निकला F.dr। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं,
और हमने न्यूमेरिकल्स किए। अब आगे वाले लेक्चर में हम वर्क, पावर और एनर्जी तीनों से रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे और हम ये देखेंगे लेक्चर में कि वर्क, पावर और एनर्जी एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं। थैंक यू।